अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप तमाम लोग। ईद वग़ैरह से अब सब लोग फारिग हो गए होंगे और यकीनन नई नई रेसिपीज़ की ज़रूरत भी सबको पड़ रही होगी। बट आज की वीडियो रेसिपी से थोड़ी सी हटके है और आज की वीडियो है न्यूबॉर्न एसेंशियल्स या फिर व्हाट मस्ट बी इन योर हॉस्पिटल बैग इफ़ यू आर नियर टू योर डिलीवरी। सो फर्स्ट टाइम मॉम्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी ये वीडियो, तो आप लोग इस वीडियो को कम्प्लीटली देखें, आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इससे। इंशाल्लाह रेसिपीज़ की वीडियोस आगे आती रहेंगी, तो आप सब लोगों को वेलकम टू माय चैनल फूडीज एंड मोर बाय मरियम। और इसके साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो काइंडली लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ख़ास तौर पर उन मॉम्स के लिए जिनको अभी आगे ही इस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है। उनके साथ वीडियो को काइंडली ज़रूर शेयर करें, क्योंकि वीडियो देख के एक आइडिया हो जाता है। फ़र्स्ट टाइम मॉम्स को ख़ास तौर पर इतना अंदाज़ा नहीं होता कि क्या क्या होना चाहिए हॉस्पिटल बैग में जो कि आपने बेबी के लिए बनाया है। तो मैंने तकरीबन सारी ही चीज़ें जो आपको ऑन हैंड अवेलेबल होनी चाहिए हॉस्पिटल में वो कवर कर ली हैं। फिर भी अगर कुछ रह जाएंगी तो वो मैं बीच में वीडियो में बोल लूँगी, ताकि आपको अगर वो भी बाय करनी है तो आप वो भी बाय कर लें। तो चलें तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू से माशाल्लाह। तो सबसे पहले तो जो आपको चीज़ें चाहिए होंगी उसमें है एक टॉवल, इसके अलावा बेबी वॉश एंड बेबी ऑयल। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको नर्सेज वगैरह को हैंड ओवर करनी होती हैं, जिसमें बेबी ऑयल, बेबी बाथ और टॉवल वगैरह होता है। और बच्चे के स्टार्टिंग के फर्स्ट डे के जो आपने एक जो भी कपड़े डिसाइड करें हैं आप उनको वो दे दें, और एक रैपिंग शीट वगैरह। तो बेबी ऑयल जो मैंने लिया है वो मदर केयर का है, ये 200 ml था और नियरली 300 समथिंग का था ये। इसी तरह से जो मैंने जॉनसन्स का बेबी बाथ लिया है वो 100 ml है, लेकिन मुझे उसकी बिल्कुल भी प्राइस नहीं याद रही है। अगर मुझे मिल गई तो मैं उसको मेंशन कर दूंगी कैप्शन में। इसके अलावा जो ये टॉवल है ये होडेड टॉवल है, तो ये बाद में आप रैपिंग शीट की तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। सर्दियों में ज़्यादातर इस्तेमाल हो जाती है ये एज़ अ रैपिंग शीट भी, बट ये इस टाइम पर एज़ अ टॉवल ही यूज़ होगा क्योंकि ये गर्मियाँ हैं। तो इसकी लेंथ और विड्थ अगर देखी जाए तो वो नियरली 32 inches के करीब है, तो ये न्यूबॉर्न से लेके कोई 2 and 2.5 months तक के लिए बहुत ईजली यूज़ हो सकता है अगर आप पूरा रैप करना भी चाहें तो। तो ये स्किन और वाइट कलर में है और आप देख सकते हैं कि मैंने ये इसी तरह से लिया था कि ये यूनिसेक्स के लिए मैंने शॉपिंग की है क्योंकि डेफिनेटली जेंडर रिवील नहीं है मुझे। और ये जॉनसन्स का बेबी बाथ क्योंकि मैं अपने बेटे के लिए भी यूज़ करती हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त होता है, बिल्कुल भी इची नहीं होता ये आँखों वगैरह के लिए। और मदर के बेबी ऑयल बहुत ही ज़बरदस्त स्मेल होती है, बहुत ही अच्छा रहता है ये जॉनसन्स वालों से ज़्यादा अच्छा बेबी ऑयल मुझे मदर केयर का लगता है, तो मैंने यही लिया है इस बार भी। बाकी आप ये क्वांटिटी और प्राइस वगैरह देख सकते हैं। एक चीज़ जो कि कॉस्मेटिक्स वगैरह में आप लोग ज़रूर देखें वो ये है कि उसकी एक्सपायरी को ज़रूर देख के लें, क्योंकि बच्चों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है और बहुत ज़्यादा उस पर अगर कोई भी चीज़ उनको आप एक्सपायरी अगर नहीं देख के ली है आपने तो वो उससे अफेक्ट हो सकते हैं। इवन के अगर एक्सपायरी हो भी तो पास बच्चे बहुत सी चीज़ों से सेंसिटिव होते हैं तो वो उनको नहीं सूट करती हैं। इसके अलावा ये मदर केयर का बेबी पाउडर है जो कि नॉर्मली तो डॉक्टर्स आजकल बिल्कुल ही मना करते हैं यूज़ करने के लिए, तो स्टार्टिंग में आप नहीं यूज़ करें, बच्चे को आप पहले थोड़ा सा देख लें कि स्किन ज़्यादा ही सेंसिटिव वगैरह हो तो बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। फिर अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज़ फीडर, जो कि आपको बिल्कुल नीडेड होगी क्योंकि स्टार्टिंग में आप अगर उसको नहीं टैकल कर सकते हैं तो फीडर आपको बिल्कुल नीडेड होगी। और बच्चे भी बाज़ दफ़ा नहीं फीड कर पा रहे होते हैं तो उसके लिए भी आपको फीडर नीडेड होती है। मिल्क जो भी है आपको जो भी डॉक्टर रिकमेंड करें उस वक्त आप वही मंगवा लें, बट फीडर आपको नीडेड होगी, तो ये आप पहले से ले कर रखें। मैंने ये रैडल स्टाइल का इसका कैप इसलिए ले लिया है क्योंकि रैडल्स कौन रख के लेके जाएगा बैग के अंदर, तो यही काम में आ जाएगा। तो स्टार्टिंग में बिल्कुल 2 ounce की जो फीडर होती है वो ही इनफ हो जाती है। बहुत वाटर बॉटल भी मैंने एक लेके रखी है, इतनी ही छोटी सी, लेकिन वो बिल्कुल स्टार्ट में नीडेड नहीं होती। तो ये इस फीडर की पैकिंग वगैरह थी, तो आप लोग देख लें कि कोई इतनी कॉस्टली नहीं थी, कोई 150 to 200 समथिंग की थी। इसके अलावा जो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको नीडेड होंगी वो हैं वाइप्स और डायपर्स।
वाइब्स मैंने यहाँ पे सन सिर्फ के लिए हुए हैं और मदर केयर के वाइब्स ही बहुत अच्छे होते हैं। मैंने स्टार्ट में फ़र्स्ट टाइम जो है वो ही लिए थे, बहुत ज़बरदस्त वाइब्स थे उनके भी और ये भी अच्छे होते हैं। इसके अलावा डायपर जो है वो मोलफिक्स वालों का लिया है साइज़ नंबर 1, जो कि न्यूबॉर्न के लिए है, जो कि नियरली आई थिंक 2 to 5 kg के बच्चों के लिए इस्तेमाल होता है। न्यूबॉर्न का है इनका साइज़ नंबर 1। कि इनकी डायपर की कुछ खासियतें हैं जो कि फ्लेक्सिबल बॉडी सिस्टम और टोटल प्रोटेक्शन के हिसाब से इसके ऊपर मेंशन है। आप चाहें तो आप नेट पे इस इनके पेज पे विज़िट करके देख सकते हैं। डायपर कॉस्टली ज़रूर है लेकिन यह है कि स्टार्टिंग के हिसाब से बिल्कुल बेहतर रहता है। स्किन के बारे में ज़्यादा इल्म नहीं होता बच्चे की कि अगर ज़्यादा सेंसिटिव है तो पास डायपर्स बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाते हैं, तो आप इसलिए अपनी मर्ज़ी से कोई पैम्पर्स वालों का या फिर मोलफिक्स वालों का भी बहुत अच्छा होता है, लियो का बहुत अच्छा होता है, तो आप इनमें से कोई से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साइज़ हर किसी में वेरी करता है। मैं रिकमेंड करूँगी कि स्टार्टिंग में आप चार पाँच मंगवा के रख लें 1 से 2 कंपनीज़ के, जो आपकी बेबी को ज़्यादा सूटेबल साइज़ हो आप उसके हिसाब से फिर पूरा पैकेट ख़रीद लें। वाइप्स में ये कैप बहुत अच्छा होता है क्योंकि इससे ये ड्राई नहीं होते हैं, तो आप इसी तरीके का जो भी ख़रीदना चाहें जिस भी कंपनी का आप लें उसमें आप इस तरीके का ये इनका कैप वाला ख़रीद सकते हैं। प्राइसेस आप लोग नेट पे ख़ुद चेक कर सकते हैं, बहुत इजीली आप लोगों को मिल जाएंगी। इसके अलावा ये है चेंजिंग मैट, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि जब भी डायपर आप चेंज करेंगे तो नीचे से कोई भी बेबी बैग वगैरह जो भी है जिसके अंदर बेबी को आपने लटाया हुआ है वो नहीं गंदा हो और उसके बाकी के कपड़े चादर वगैरह नहीं ख़राब हो, तो आपको ये चेंजिंग मैट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, तो एक ये भी लाजमी रखें। इसके अलावा कुछ आपको अंदर पहनाने के लिए सिंगलेट्स वगैरह की ज़रूरत होगी, तो ये कुछ वेस्ट्स हैं जो कि मैंने रखी हैं जो कि नियरली 3 हैं। अगर सर्दियों के बच्चे हैं तो आपको रिकमेंड करूँगी कि आप रोम्पर्स वगैरह लें, लेकिन अगर गर्मियों के बच्चे हैं तो मैं आपको इस तरीके से स्लीवलेस वेस्ट जो हैं वो रिकमेंड करूँगी, तो आप लोग वो ले लें। ये कुछ इस तरह से होती है, आगे से बटन ओपन होती है, फुली ओपन हो जाती है, ईज़िली होती है, पहनाने में बहुत ही कम्फर्टेबल रहती है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इतनी गर्मी के अंदर अंदर भी क्यों पहनाएं, तो भाई आप लोगों को हॉस्पिटल वगैरह के अंदर जहाँ पे एसी वगैरह चल रहा होता है तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आप वैसे भी अगर आप एयर कंडीशन यूज़ करते हैं या स्प्लिट वगैरह आप चलाएंगे तो आप लोगों को जब भी इसकी ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। इसके अलावा ये 2 बॉडी सूट्स मैंने लेके रखे हैं, जो कि एक पिंक कलर का है और एक वाइट कलर का है, एक हाफ़ स्लीव्स है और एक फुल स्लीव्स का है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हॉस्पिटल में आपको इनकी नीड है और क्योंकि वहाँ पे बाज़ दफ़ा एसी वगैरह की वजह से कूलिंग ऐसी होती है कि आप लोगों को ये नीडेड होंगे, इनका स्टफ़ थोड़ा सा ज़्यादा मोटा है और ये कार्टर्स वालों का है जो कि साइज़ नंबर 3 में है, जो कि नियरली 2.5 महीने तक के बच्चे के लिए इनफ़ होता है। दूसरा ये साइज़ 0 में है, अगर आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, बट ये 2 बहुत ज़्यादा इनफ होंगे क्योंकि इसके अलावा जो है वो वेस्ट भी रखे हैं मैंने। नॉर्मली सर्दियों में तो ये बहुत ही अच्छे रहते हैं क्योंकि ये आप जब भी उठाएंगे तो इससे बच्चे की कमर नहीं नज़र आती है और ये नीचे से कवर्ड होते हैं, पैम्पर चेंज करने के लिए इसमें बटन्स अवेलेबल होते हैं। उसके अलावा ये फुल स्लीव्स बॉडी सूट है या फिर आप इसको रोम्पर कह लें, तो ये स्लीव सूट की तरह भी इस्तेमाल होता है। ये फुली नीचे तक पूरा कवर्ड है, इसके अंदर सॉक्स टाइप बूटीज़ भी अटैच्ड है। मैं आपको इसको ओपन करके अभी दिखाती हूँ। ये भी कार्टर्स का साइज़ 3 है। ये इन एक्चुअल मैंने पूरा सेट लिया हुआ है कंप्लीट, ये उसी की चीज़ें हैं। एक इसमें ये था, एक वो बॉडी सूट जो कि मैंने अभी आपको पिंक कलर का दिखाया था वही अवेलेबल था। क्लोथ स्टफ़ कार्टर्स वालों का बहुत ही ज़बरदस्त होता है, बहुत ही अच्छा है इसका कॉटन फैब्रिक। सारे कपड़े आपसे मैं यही रिकमेंड करूँगी ये कॉटन के लें, इधर बेबी सर्दियों का है या फिर गर्मियों का, कम से कम जो आप उसको अंदर पहनाने के लिए लें सर्दियों के बच्चे को भी वो कॉटन का ही होना चाहिए। उसके ऊपर आप जो भी वूलन या फिर स्वेटर टाइप्स स्टफ़ पहनाना चाहते हैं वो आप ऊपर से पहनाएं, लेकिन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में बच्चे से वो ना आए। तो आप देख सकते हैं ये भी फ्रंट ओपन होता है, ये फुली ओपन होता है नीचे तक, तो ये इजी होता है बहुत पहनाने में और इससे बच्चे फुली कवर्ड हो जाते हैं। जबकि एयर कंडीशन हो हॉस्पिटल वगैरह में तो बहुत ही इजी रहता है ये यूज़ में। ये कुछ 3-4 कैप्स मैंने अलग से रखे हैं जो कि आप लोगों को सर पे पहनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे।
ये आप सर्दियों के लिए भी और गर्मियों के बच्चों के लिए भी ज़रूर रखें। इसके अलावा एक चीज़ अभी इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं है, जो कि मिटन्स हैं, वो भी स्टार्टिंग के लिए बहुत नेसेसरी होते हैं, क्योंकि बच्चों के नेल्स बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और ऑन हैंड आप उनको अगर नहीं कट कर सकते तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा नीडेड होंगे। उसके अलावा ये कुछ वॉश क्लोथ्स हैं, जो कि आप 2 से 3 तो ज़रूर रख लें। ये बहुत ही, इसका स्टफ़ कोई ना बहुत ज़्यादा मोटा है ना ही बहुत ज़्यादा पतला है। इन कैप्स से 2 तो बिल्कुल अपने सूट से बिल्कुल मैच्ड हैं और 2 ये एक्स्ट्रा कैप्स हैं, क्योंकि हर सूट के साथ अवेलेबल नहीं होते तो आपको उनके साथ भी ज़रूरत पड़ेगी। वॉश क्लोथ का साइज़ एक न्यूबॉर्न बेबी के लिए ये इनफ होता है, इससे भी बड़े आते हैं, अवेलेबल हैं मार्केट में, लेकिन स्टार्टिंग की बेबी के लिए ये बहुत इनफ साइज़ है। स्टफ़ मैंने बहुत ढूंढ के इसका जो थोड़ा सा फैब्रिक पतला था वो ही लिया है। इसके 3 और 5 के सेट्स अवेलेबल होते हैं, किसी किसी में 6 भी अवेलेबल होते हैं, तो आप उनमें से जो चाहें वो ले लें। ये 2 रैपिंग शीट्स हैं जो कि मैंने कैप्स के साथ रखी हैं, क्योंकि आप बाज़ दफ़ा ये हॉस्पिटल्स में एज अ रिसीविंग ब्लैंकेट्स आपको देनी पड़ती हैं। इसके अलावा एक कैरी बैग वगैरह हमारे यहाँ तो यूज़ होता है, बाकी बाहर मुमालिक के अंदर कार सीट्स वगैरह यूज़ होती हैं, क्योंकि वहाँ पे बच्चे को उसके बगैर ले जाने की परमिशन नहीं होती, जबकि हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ नॉर्मली कैरी बैग ही यूज़ करते हैं सब लोग, और उसके साथ साथ ये रैपिंग शीट्स वगैरह। इनका साइज़ आप देख सकते हैं और इस पर जो डिज़ाइनिंग हुई हुई है वो भी मैं आपको करीब करके दिखा देती हूँ। ये मैंने ड्रेसेस के साथ ही एज अ सेट लिया है, जो कि कंप्लीट सेट है। ये भी मेरे पास कंप्लीट सेट अवेलेबल है, लेकिन मैंने एज अ रैपिंग शीट्स इनको 2 को अलग रखा है, जो कि बहुत ज़्यादा नीडेड होती हैं। ये गंदी भी बहुत जल्दी होती हैं, तो ये आपको ज़्यादा ही नीड होंगी। ये कुछ कॉटन बॉल्स वगैरह हैं, जो कि रिकमेंड नहीं करूँगी, लेकिन फिर भी बाज़ लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इनको। आजकल वाइप्स यूज़ हो जाते हैं तो इसलिए इनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर भी ये इस तरह से पैकेट में अवेलेबल होती हैं। अगर आप लेना चाहें तो आप इनको ले लें। मेरे पास ये पहली ही दफ़ा की इतनी सारी बची हुई रखी हैं, क्योंकि इस्तेमाल में नहीं आई। खैर, ये 125 का ये पूरा पैकेट अवेलेबल था, कोई इसमें 100 कॉटन पॉल्स अवेलेबल हैं। अब आ जाते हैं ड्रेसेस की तरफ, तो कुछ नियरली आपको 7 to 8 ड्रेसेस, अगर आपको 3 to 4 डेज़ का स्टे हॉस्पिटल में करना है तो आपको बेबी के कुछ 7 to 8 ड्रेसेस रखने ही पड़ेंगे। बाज़ दफ़ा 4 to 5 से ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, बट आप इस तरह से सेट्स लेके भी रख सकते हैं, जिसमें कम्प्लीटली रैपिंग शीट भी अवेलेबल होती है, कैप भी अवेलेबल होता है, इसके साथ में ही बिब्स भी अवेलेबल होती हैं। मेरे पास सेट्स में ही बिब्स अवेलेबल हैं, इसलिए मैंने अलग से बाय नहीं की हैं। उसके अलावा इसमें छोटे से बूटीज़ भी अवेलेबल हैं, और साथ में एक स्वैडल भी है जो कि रैपिंग के लिए है। तो नियरली 3 to 4 स्वैडल्स एक साथ मैंने रखी है। ये कुछ 2 सूट्स हैं जो कि कंप्लीट सूट्स हैं, इसके साथ भी इसमें रैपिंग शीट्स अवेलेबल हैं, और इसके साथ ही इसमें कैप्स भी हैं, और इसके अलावा इसमें बल्ब्स भी अवेलेबल हैं। तो आप ये देख सकते हैं, और ये 2 अलग अलग कलर के हैं, एक पिंक और एक ब्लू कलर का है। तो मैंने तो फर्स्ट डे का ग्रे सूट वैसे डिसाइड करा है, लेकिन फिर भी अगर बेबी कलर के हिसाब से देखें तो पिंक कलर का सूटेबल रहेगा, अगर बेबी बॉय के हिसाब से देखें तो ब्लू कलर का सूटेबल रहेगा। तो ये स्टार्ट में मैंने आपको जो 3 दिखाए हैं, ये फुली कंप्लीट सेट्स हैं, जो कि आप स्टार्ट के डेज़ में बिल्कुल इजीली यूज़ कर सकते हैं। आपको मैचिंग की चीज़ों के लिए नहीं परेशान होना पड़ेगा, इसमें सारी चीज़ें ही अवेलेबल होती हैं। तो ये फुल कंप्लीट पिंक सेट है, इसमें ये कैप है, ये इसकी बिब है। बिब इतनी जल्दी स्टार्ट में यूज़ में नहीं आती हैं, लेकिन फिर भी अगर आप इस तरीके के सेट्स ख़रीदते हैं तो उसमें बिब्स अवेलेबल हो जाती हैं, तो आपको अलग से नहीं बाय करनी पड़ती। अदरवाइज़ इनकी अलग से ही कॉस्ट कोई 250 to 300 तक की होती है, जो आजकल इस तरह की बटन्स वाली बिब्स आती हैं और उसके ऊपर इतनी एम्ब्रॉयडरी हो या कोई स्टिकर्स वगैरह लगे हों, वो कॉस्टली ही होती हैं। ये इसका ये सेकंड सेट है, जो कि ब्लू कलर का है, तो इसमें ब्लू और ग्रे का कॉम्बिनेशन है, और चादर इसकी बहुत अच्छी लगी मुझे, और ये इस पर लाइनिंग है सिंपल, और इसकी बिब भी बहुत ज़बरदस्त है, इस पर 2 बेयर्स बने हैं,
तो ये बॉयज़ के हिसाब से चाहे गर्ल बेबी के हिसाब से दोनों पे ही ये कलर बहुत अच्छा लगता है। इनकम्प्लीट सेट्स में एक बात होती है कि इनके कैप का साइज़ इस तरह का होता है कि वो सब पे सर पे आ जाए। अदरवाइज़ जो तीन तीन के सेट्स होते हैं जिसमें थ्री सूट्स होते हैं और उसमें थ्री कैप्स होते हैं, उनमें कैप साइज़ इतना स्मॉल दे देते हैं कि वो नॉर्मली यूज़ में नहीं आते हैं। इसके अलावा ये कुछ और ड्रेसेस हैं जो कि मैं दिखाती हूँ। तो ये है फर्स्ट ड्रेस जो कि मैंने वाइट कलर का लिया था। ये मुझे बहुत ही पसंद आया था और ये तो वाइट कलर में था, वाइट ऑफ वाइट कलर है इसका। और आप देख सकते हैं कि इस पर कॉम्बिनेशन में स्किन कॉम्बिनेशन पे बटन्स वगैरह इस पर लगाए हुए हैं और ये जो एम्ब्रॉयडरी इस पर हुई हुई है कोई स्किन येलो टाइप की एम्ब्रॉयडरी है, मून एंड स्टार्स पे बने हुए हैं। ये इसका कैप है, इसके ऊपर भी मून एंड स्टार्स बने हुए हैं और ये जो इसका नेकर है इस पर स्टारलाइट एंड मून लिखा हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त इसका स्टफ़ है, इसके कपड़ा बहुत अच्छा है। इसके अलावा ये सेकेंड सूट है, ये मैंने फुल थ्री सूट्स का जो पैक होता है ये उसमें से है एक कलर, ये स्किन कलर का है और इसका मुझे टोपी का साइज़ बहुत अच्छा लगा था तो इस वजह से। और बाकी इसका स्टफ़ भी बहुत अच्छा है, ये कोई नियरली 700 के थ्री सूट्स थे। इस तरह से पूरे कंप्लीट स्किन कलर था, एक पिंक कलर है और एक इसके अलावा इसमें ब्लू कलर है। ये वाला सूट भी थ्री सूट्स के सेट वाला है और इसका कलर ग्रीन कलर में है, इस पर बेयर बना हुआ है और इसमें भी कैप है और इसके साथ ही इसमें नेकर है, क्योंकि आप गर्मियों के टाइम पे आपको ज़्यादातर यही चीज़ अवेलेबल होंगी। फुल मैंने बहुत ख़रीदना चाहिए लेकिन चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, तो इसलिए मैंने सोचा है कि आगे अगर मुझे बॉडी सूट्स फुल स्लीव्स के मिलें तो मैं वो ज़रूर लेके रख लूँ कुछ एक दो, और एक तो मेरे पास है अवेलेबल। ये उसी का पिंक कलर में है, एक उसमें आई थिंक ब्लू कलर में है अवेलेबल, लेकिन मैंने इसमें से अभी दो दो रखे हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं कि स्टफ़ बहुत अच्छा था इसका, इसका कोई बहुत लाइट स्टफ़ नहीं है, गर्मियों के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट स्टफ़ है इन तमाम कपड़ों का। इसके अलावा ये एक ग्रीन सा सूट है जो कि मैंने आपको सबसे पहले स्किन दिखाया था, ये उसी का सेकंड सूट है और इसका स्टफ़ बहुत ज़बरदस्त था। जिससे पहले वाले मैंने आपको सेट्स दिखाए थे वो नियरली 400 के थ्री पीस थे, थ्री सूट्स अवेलेबल थे उसमें, और ये 700 के थ्री सूट्स अवेलेबल थे और इनमें थ्री थ्री के ही सेट्स हैं, मतलब कि कैप, शर्ट और इसके साथ ही इसका नेकर। तो नियरली 8 सूट्स अब तक हो चुके हैं और ये 9th वन जो है ये एक मैंने फ्रॉक ली थी क्योंकि इसमें फ़्रॉक कॉलर है, तो अभी हमें पता तो नहीं है लेकिन फिर भी ये एक फ़्रॉक स्टाइल का है जिसमें, और ये इजहान साहब आ गए हैं, काफ़ी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है लेकिन आके इन लोगों का हिलाना ज़रूर फ़र्ज है चीज़ों को। ही इज़ सो हैप्पी एज ही इज़ ईटिंग हिज किक किक, चूँकि ये बिस्किट ईटिंग कर रहे हैं। डोंट फॉरगेट टू से माशाल्लाह। तो ये ड्रेस अगेन सेट हो चुका है। तो ये फ्रॉक थी एक छोटी सी जो कि बिल्कुल न्यू बॉर्न टू 1 month तक के लिए है, तो ये भी मैंने ख़रीदी थी। ये फ्रंट ओपन है, बिल्कुल ईजली आप इसको पहना सकते हैं और ये इसके साथ जो है इसमें थोड़ा सा इन्होंने पजामे के स्टाइल में दिया हुआ है, नेकर स्टाइल में नहीं था। तो ये कुछ 3-4 सूट्स तो आपके दिन के हिसाब से ही हो जाएंगे क्योंकि नियरली 3-4 डेज हॉस्पिटल में स्टे करना होता है, तो आप इसलिए हर दिन के हिसाब से नियरली 2 ड्रेसेस रख लें। बाज़ दफ़ा नहीं आते यूज़ में लेकिन अगर आ जाएँ आपको इस्तेमाल की ज़रूरत हो तो डेफ़िनेटली कोई वहाँ पे वॉशिंग के लिए नहीं खड़ा होगा, तो इस वजह से आप लोगों को ये अपने पास रखने ही चाहिए। तो मैंने आपको कुछ 7-8 ड्रेसेस दिखाए हैं, आप चाहें तो इससे कम रख सकते हैं, चाहें तो इससे ज़्यादा रख सकते हैं, आपको जितने कन्वीनियंट हो आप उतने रखें, इस्तेमाल में तो सारे आ ही जाने हैं आगे भी। उसके अलावा जो ये चीज़ है ये है बेबी कैरी बैग जो कि हम लोगों के यहाँ इस्तेमाल होते हैं, ये चीज़ें रिसीविंग के टाइम पे हम यही चीज़ देते हैं, हम लोग रैपिंग शीट्स के अंदर नहीं लेते नॉर्मली। अगर आप लोग सर्दियों के बच्चे हैं तो नॉर्मली उसमें फिर ब्लैंकेट्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर गर्मियों के ही बच्चे हों तो रैपिंग शीट्स काफ़ी कॉटन स्टफ़ की यूज़ हो रही होती हैं तो उसके अंदर बच्चे इतने सेफ़ नहीं होते, तो आपको उसके लिए ये कैरी बैग्स ही नीडेड होंगे।
तो ब्लू कलर का मेरे पास ऑलरेडी रखा हुआ था, तो इस वजह से मैंने इसको इस बार पिंक लेना प्रेफर करा है। तो इसके अंदर ये फ्रंट पे जो है ये एक नेट लगी हुई है। अगर आप चाहें तो नेट को यूज़ करना तो आप इसको ओपन करके यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे इन्होंने मैजिक टेप दिया हुआ है और उससे ये इस तरीके से आप ओपन कर सकते हैं और ये फुली ओपन हो जाएगी और ये पूरे कवर कर लेगी, पूरा हैट तक बच्चे को अच्छी तरीके से कवर कर सकती है ये। तो मॉस्किटोज वगैरह से बच्चे बिल्कुल सेफ़ हो जाते हैं। रात में सोते वक्त आप इसको इस तरीके से कवर कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल इरिटेटिंग नहीं होगा ये, बच्चा बिल्कुल नीचे सो रहा होगा, ये काफ़ी ऊपर तक है इसका नेट। इसके अलावा ये स्लीपिंग बैग है तो इसमें साइज़ में जिप्स अवेलेबल हैं, आप इसको ओपन करके बेबी को अंदर आप डाल सकते हैं और फिर आप इनको दोबारा से जिप कर दें। ऊपर से इसका लुक कुछ इस तरह से नज़र आएगा। तो ये मार्केट में बहुत से डिफरेंट कलर्स में, बहुत से डिफरेंट डिज़ाइनिंग में अवेलेबल होते हैं, आपको जो पसंद आए आप अपनी मर्ज़ी से लें। बहुत डिफरेंट डिज़ाइनिंग होती है इसमें। ये मैंने जो लिया है ये कोई नियरली 700 तक का है, आप चाहें तो इससे भी ज़्यादा कॉस्टली भी अवेलेबल है, इससे थोड़े से और ज़्यादा चीप प्राइसेस में भी अवेलेबल हैं, आपको जो अपने हिसाब से सही लगे आप वो ले लें। राउंड प्लो बहुत ज़्यादा नीडेड होता है बच्चे के सर को बनाने के लिए, तो इसके साथ ही लें तो ज़्यादा अच्छा है। ये है बेबी बैग जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा नीडेड होगा, बेबी बैग कह लें, डायपर बैग कह लें, आपको ये इस साइज़ का मैं रिकमेंड करूँगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम में आता है। मैं इस बैग को नियरली कोई 2 साल पहले मैंने इसको बाय किया था और कोई 1.5 साल से मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ और ये बहुत ही ज़बरदस्त स्टफ़ का था। ये मैंने चीज़ वैल्यू सेंटर से लिया था लेकिन ये कोई नियरली 1500 का मुझे उस वक्त मिला था 2 साल पहले। अभी भी इस तरीके के बैग्स की कुछ इसी तरीके की कॉस्ट है, लेकिन आप स्टफ़ देख के लें, ये मेड इन चाइना ही है लेकिन इसका स्टफ़ बहुत अच्छा था। इसमें ये साइड्स में पॉकेट्स दी हुई हैं, फ्रंट पे भी 2 पॉकेट्स हैं, एक में इसमें अच्छा खासा उसमें उस पॉकेट के अंदर भी उन्होंने अच्छा खासा कपड़े को नीचे फोल्ड करके स्पेस दिया हुआ है और ऊपर से आप देख सकते हैं कि इसकी विड्थ कुछ इस तरह से है। फिर ये फ्रंट पे एक पॉकेट है और फिर ये 2 पॉकेट्स और हैं और ये बैक पे एक बिल्कुल ही पतली सी पॉकेट है लेकिन ये भी अवेलेबल है। इसके अंदर आप चेंजिंग मैट्स वगैरह को रख सकते हैं। उसके अलावा इसमें 2 कैरी के हैंडल्स दिए हुए, एक एडजस्टेबल हैंडल दिया हुआ है। पीछे की पॉकेट को बंद करने के लिए इस तरह से मैजिक टेप अवेलेबल है इसमें, जो कि इसमें लगाया हुआ है, तो आप इसको इस तरीके से आराम से बंद कर सकते हैं। इसमें आप कोई पतली सी चीज़ ही रख सकते हैं लेकिन वो रैपिंग शीट्स वगैरह के लिए, चेंजिंग मैट्स के लिए बहुत ईजी होती है ये जगह। तो जो इस बैग का सबसे बिग कंपार्टमेंट है वो मैं आपको ओपन करके अभी दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कुछ नियरली 7 इंच की विड्थ अंदर अवेलेबल है, अच्छे खासे सामान इसके बैग के अंदर आ जाता है। एक ही अंदर पॉकेट दी हुई है जो कि आप इसमें जब भी अवेलेबल है और यहाँ पे फ्रंट पे 2 पॉकेट्स दी हुई हैं। इसमें आप कुछ भी फीडर्स वगैरह या कोई भी चीज़ें आप जो छोटी छोटी होती हैं वो रख सकते हैं। तो ये बैग अच्छे खासे अरसे से मेरे यूज़ में है बट ये अभी तक बिल्कुल ठीक है। इसकी स्टिचिंग वगैरह और इसका स्टफ़ कपड़े का बहुत ज़बरदस्त है। तो ये थी आज की वीडियो जो कि न्यूबॉर्न एसेंशियल्स की थी या फिर व्हाट मस्ट बी इन योर हॉस्पिटल बैग से रिलेटेड थी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आज की वीडियो थोड़े डिफरेंट टॉपिक पे थी पर अगर पसंद आई हो तो काइंडली लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। और चैनल पे और भी वीडियोस आगे आने वाली हैं जो कि रेसिपी से रिलेटेड हैं, तो इंशाल्लाह आपको वो भी देखने को मिलेंगी। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो काइंडली फूडीज़ एंड मोर बाय मरियम को सब्सक्राइब कर लें। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।